नहीं बना तो कान मलोड़ा गया, कुछ पनिशमेंट दिया गया, है ना। तो इसकी भी बात करनी चाहिए कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि टीचर को पनिशमेंट देने की नौबत ही ना आए, है ना। पनिशमेंट अभी सभी स्कूलों में कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलता है कि नहीं है, किस तरह का पनिशमेंट मिलता है कोई एक बात बताए बता बच्चे। कोई बात नहीं, यहाँ कोई तुम्हारी तुम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हो। हाँ बेटा, कान मोड़ते हैं और छड़ी से मारते हैं, अभी मारते हैं। हाँ बेटा, नहीं बिल्कुल ठीक है, हम अभी ये बात नहीं कहते, बैठ जाओ, बहुत अच्छा है। हाँ, ये भी सिखा दिया है तुमको कि भी तुम्हारी भलाई के लिए पिटाई हो रही है। हाँ बेटा, और हमारे स्कूल में अगर किसी बच्चे का होमवर्क नहीं होता तो उसे लंच भी घर पे नहीं, जब तक लंच भी नहीं चले तब तक तो बैठ के होमवर्क करे। वेरी वेरी। हाँ, और कोई बताएगा नया कोई? हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है, अगर हम होमवर्क करके नहीं ले जाते तो उंगलियों के बीच में पेन फंसाकर दबाते मैं इसलिए जानना चाह रहा था ये बातें कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे साथ भी ये होता था, है ना, हमारे स्कूल में भी इस तरह की बात होती थी। अभी फिर मैं बात बताऊंगा। और अगर हमारे स्कूल में हमारे स्कूल में चलता है कि सिर्फ इंग्लिश बोलोगे आप और कुछ हिंदी में नहीं बोलोगे, तो अगर हम हिंदी बोलते हैं तो सर हमको क्लास से बाहर रखते हैं कि जब तक तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे मेरी क्लास में आने। हमारे स्कूल में मीन्स ऐसी पनिशमेंट दी जाती है जिससे बच्चों को चोट नहीं होती, जैसे हाथ ऊपर करके खड़े करना, कान पकड़ के खड़े करना, बट इससे किसी बच्चों को चोट नहीं पहुंचती है। मीन्स मेरे हिसाब से पनिशमेंट ठीक है। आपको ये मिला है इस तरह का पनिशमेंट कभी? कितनी देर आप खड़ी नहीं? 10 or 15 minutes. Any other? Yes, जैसे हम स्कूल से बाहर या कुछ गलती कर रहे थे तो दो सर मिलके एक तो आगे से भी एक पीछे से भी मारते। अच्छा सुनिए, अभी कुछ लोगों ने कहा कि पनिशमेंट हमारे भले के लिए दिया जाता है, ठीक है, या कुछ लोगों ने कहा कि पनिशमेंट जो है वो ऐसा होता है कि जिससे बच्चे को चोट न लगे। अब आपको एक बात बता देते हैं, हम राज की बात है, है ना, जो आपको नहीं मालूम, शायद आपके टीचर्स को पता है या नहीं पता, ये भी मुझे नहीं पता। शिक्षा का अधिकार एक कानून आया है, कभी आपने नाम सुना है? है? सुना है ना, सब बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार है, पढ़ाई करने का अधिकार है, और कोशिश ये की जा रही है कि कोई बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल से बाहर रह जाए बिना पढ़े, ठीक है। अच्छा, उसी कानून का एक भाग ये भी है कि अब स्कूल में किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कानून में कि बच्चे को किसी भी तरह का ना तो उसको भला बुरा कहा जाएगा, ना उसको इस तरह का पनिशमेंट दिया जाए कि जैसे अभी बहुत सारे बच्चों ने बताया है जिसमें उसको चोट लगे, है ना, जिसमें उसके आंसू निकल आए, घुटना टेक किया है तो बहुत देर तक घुटने में चल जाए, इस तरह की सारी बातें अब कानूनन नहीं, कानूनन कानून में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी स्कूल में। और यहाँ तक कि यदि ऐसा होता है तो शिकायत करने पर शिक्षक को फिर उनको दंड मिल सकता, ठीक है। पर इसका अर्थ क्या हुआ,
इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि तुम कुछ भी करो हैं और शिक्षक कुछ नहीं कहे, ये तो नहीं हो सकता ना, है ना। हाँ, तो उस स्कूल फोरम में हमें यह भी बात करनी है कि वो कौन सी बातें हैं जिसके कारण हमें पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, हमारा ड्रेस ठीक नहीं है, हमारे बाल ठीक से संभले नहीं है, कपड़े गंदे हैं, बहुत सारी बातें, हम होमवर्क करके नहीं आए क्लास में, हमें उत्तर हमसे सवाल पूछा गया हम नहीं दे पाए। ठीक है, यही सब बातें होती ना पनिशमेंट के लिए। हाँ, तब फिर हमें स्कूल फोरम पे तय करना है कि अब हमें ऐसा हम मौका ही ना देंगे, है ना, कि जिससे कोई हमें पनिशमेंट दे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो टीचर है वो भी तुमको और ज़्यादा अच्छा प्यार करेगा और अच्छे से पढ़ाएगा। ये तुम्हारा, अभी सिस्टर वगैरह कह रही थी ना कि तुम्हारे कर्तव्य क्या है, ये उन कर्तव्यों में आता है जिसकी चर्चा हम स्कूल फोरम में करेंगे। इसके बाद भी आपके सब ठीक करने के बाद भी मान लो पनिशमेंट मिलता है, तब बेशक आप जाके प्रिंसिपल से शिकायत करें कि ये हमको पनिशमेंट गलत पनिशमेंट। ठीक है, पर ये याद रखें कि आपको पता है कि पनिशमेंट क्यों